हेलो एक्साम में आपका स्वागत है गाइस। पिछली वीडियो मैंने डिस्कस किया था यूपी मेट्रो में जो वैकेंसी निकली है असिस्टेंट इंजीनियर की, ठीक है, और असिस्टेंट मैनेजर की जो निकली है, टेक्निकल रिलेटेड है पूरी, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरीके की है, मैंने दोनों डिस्कस करी थी। अब मैं बात करूंगा जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट थी सारी, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल थी। अब मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की। इसकी भी एलिजिबिलिटी थोड़ी सबकी डिफरेंट है, पर एक चीज बता दूं, इसमें जितनी भी जो एलिजिबिलिटी है मोस्टली है डिप्लोमा, ठीक है, क्योंकि जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है सारी ज्यादातर, ठीक है, 2-3 पोस्टों को छोड़ के बाकी सारी जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है। बट इसमें डिप्लोमा के साथ साथ डिग्री वाले भी एलिजिबल है, बट डिग्री वालों के लिए केवल एक कंडीशन है, क्या है वो वीडियो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। जो एप्लीकेशन की डेट है वो सारी सेम है, 13 से 20 तारीख से स्टार्ट है, 19 अप्रैल को खत्म है, ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड 30 अप्रैल को डाउनलोड हो जाएंगे, और आपका एग्जाम 11, 12 या 14 में, इन तीनों में से किसी एक डेट को होगा। सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का पार्टनरशिप में चल रहा है। ये मैंने बताई थी एग्जीक्यूटिव पोस्ट की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा लिंक, या फिर लास्ट वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके यूपी मेट्रो वैकेंसी करके आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में चलिए मैं सीधा पहुंचता हूँ। हाँ, ये आगे ये है नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी वाली वैकेंसी, ठीक है। 1-to-1 डिस्कस करते हैं विल एलिजिबिलिटी के साथ, ठीक है। तो इसमें जैसे कि वैकेंसी जो है पे स्केल 33,000 से लेकर 67,300 तक आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। और ये आईडीए पोस्ट है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में उसमें वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी? 88 वैकेंसी भाई, ठीक है। UR की 30 है, EWS की 13, और OBC की 25, SC की 18 और ST की 2 है ना। इसमें वुमेंस की 1 रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन की 4 रिजर्व है, और डिफेंस वालों के लिए ये DFF क्या है, मेरे ख्याल से डिफेंस ही होगा, ठीक है, उनके लिए भी 1 रिजर्व है। अब इसमें मांगा गया है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इंजीनियरिंग वगैरह, ठीक है। 60% मार्क्स UR एंड EWS एंड OBC के लिए, सेम 50% मार्क्स SC एंड ST के लिए। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी। एज आपकी 21 से 28 है, ठीक है, और A1, ठीक है, कैटेगरी A1 कैटेगरी की है, एंड नॉट बिलो द A3 एज, ठीक है। अब ये जो मतलब ये कैटेगरी है मेडिकल में, ठीक है, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं लिखा है मेडिकल स्टैंडर्ड्स एट फॉर द इंडियन रेलवे, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग मेडिकल फिटनेस वगैरह, तो ये पैरामीटर मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में कि मतलब इसका मतलब क्या डिफरेंस है। पहले मैं पोस्ट के बारे में इंडिविजुअली बता देता हूँ कितनी क्या पोस्ट है आपकी। देखो अभी इलेक्ट्रिकल की थी, और ये NE2 किसकी है, जूनियर इंजीनियर SNT, ठीक है। SNT मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स की है आपकी, सेम पे स्केल है, वैकेंसी में आपकी 44 है, ठीक है, देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए 3 ईयर का डिप्लोमा, ठीक है, और किसी को मैंने 60% UR है, और OBC कैंडिडेट के लिए और SC ST के लिए 50%, ठीक है। 21 से 28 एज सेम है, ठीक है। बात करते हैं कि इसमें भी नेक्स्ट है आपका स्टेशन कंट्रोलर की है कम ट्रेन ऑपरेटर, ठीक है, SCTO की। तो इसमें आपकी पे स्केल आपका सेम है, पोस्ट आपकी 155 है, ठीक है। तो ये कैटेगरी के बाद डिवीजन है, और कुछ ये हॉरिजॉन्टल उसमें रिजर्वेशन में रिजर्व कुछ वैकेंसी है, तो वो देख लेना। लगभग कुल 31 वैकेंसी रिजर्व है, ठीक है। और 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में। भाई इलेक्ट्रिकल वालों की मतलब मौज आ गई, सत बता रहे मौज आ गई इलेक्ट्रिकल वालों की, ठीक है। तो 60% चाहिए UR EWS के लिए, और 50% चाहिए SC ST के लिए। एज आपकी 21 से 28 के बीच में, ठीक है। अब A1 कैटेगरी की ये है, इसमें जो मेडिकल फिटनेस A1 कैटेगरी का चाहिए, ठीक है। अब A1 A2 एंड A3 का क्या चक्कर है ये बाद में बताता हूँ। अभी नेक्स्ट पोस्ट डिस्कस करते हैं ANE04 अकाउंट असिस्टेंट। इसमें 25,000 से लेकर 51,000 मैक्सिमम की सैलरी है। पोस्ट कितनी है 8, ठीक है। तो ये जनरल में 6, OBC में 1, SC में 1 और वुमेंस की 1 रिजर्व है ओवरऑल में, ठीक है। तो इनमें से मतलब किसी में भी वुमेंस 1 रिजर्व है। अगर कहीं ऐसा सिचुएशन आती है जैसे फॉर एग्जाम्पल OBC में अगर दोनों मतलब एक लड़का एक लड़की सेलेक्ट होते हैं तो वुमेंस को लिया जाएगा, मेल को नहीं लिया जाएगा, और है ना। मैच का इसमें मांगा गया एलिजिबिलिटी की आपकी होनी चाहिए बीकॉम चाहिए 3 ईयर वाला कोर्स, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट मतलब रिकॉग्नाइज्ड से चाहिए। 60% UR एंड OBC एंड के लिए, और 50% SC एंड ST के लिए। एज 21 से 28 ही है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की है, HR की पोस्ट, HR में पोस्ट है। 50,000 से लेकर 51,000 मैक्सिमम की सैलरी है। 4 वैकेंसी है, 2 UR की 2 OBC की। इसमें क्या कहेंगे 3 ईयर 4 ईयर ग्रेजुएशन आपका जो को भी चलेगा, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। और इसमें 60% मार्क्स UR एंड OBC एंड EWS के लिए चाहिए। अब एक चीज आपको ध्यान रखें, इसमें कोई भी व्यक्ति भर सकता है। अगर ग्रेजुएशन है तो वो कोई भी भर सकता है। देखो इसमें लिखा है 3 या 4 ईयर ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें कोई स्पेशली लिखा है। बाकी समय ऊपर इलेक्ट्रिकल लिखा था कि जूनियर 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं है। तभी मैंने आपसे कहा था केवल जूनियर इंजीनियर की नहीं है, बाकी और भी बैचलर डिग्रीज वगैरह मतलब वैकेंसी है। एज आपकी 21 से 28 रहेगी। इसमें C1 कैटेगरी की आपकी फिजिकल मेडिकल चाहिए, ठीक है। बात करते हैं NE6 पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट, ठीक है, और इसमें 21 से 51 के बीच में 4 वैकेंसी है, 2 UR की, 1 OBC की एंड SC की। इसमें क्या बेस्ट डिग्री चाहिए मास कम्युनिकेशन में जनरलाइज में, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी, और 60% मार्क्स चाहिए UR एंड OBC एंड EWS के लिए, और 50% चाहिए SC एंड ST के लिए। एज आपकी 21 से 28 है, और मेडिकल फिटनेस C1, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट NE07 मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल ट्रेड का बंदा आ जाएगा। इसमें 19,500 से लेकर 39,900 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। 78 वैकेंसी है आपकी, कुछ कैटेगरी सबसे डिवीजन है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कैटेगरी। बात करें इसमें क्या मांगा गया, ITI चाहिए, ठीक है, NCVT या CVT से चाहिए, ठीक, और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का बंदा चाहिए। ITI मतलब ITI आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड में कर रखी हो, ठीक, और 60% मार्क्स चाहिए UR OBC एंड EWS के लिए, और 50% चाहिए SC ST के लिए। एज आ गई 21 से 28 है। भाई इलेक्ट्रिकल वाले की तो मौज आ गई। नेक्स्ट बात पोस्ट करते हैं NE08 मेंटेनर एंड SNT, ठीक है। इसमें 19,500 से लेकर 39,900 के बीच में 26 वैकेंसी है आपकी टोटल, ठीक है। सेम ऐसा इसमें ITI चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड। अब इसमें यहाँ पे कॉमन नहीं लगा, तो इसमें मैं ये नहीं सकता मैकेनिकल वाले इसमें भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, बट इसमें लिखा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड, तो यहाँ पे हम यही मानेंगे कि इलेक्ट्रिकल वाले ही इसमें एलिजिबल है। अब थोड़ा सा जो क्लैरिफिकेशन है वो मैं नीचे करता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बात कही थी कि अब आप लोग कह रहे हो भाई इसमें बीटेक वाले तो कहीं एलिजिबल नहीं दिख रहे। आपने कहा था कि बीटेक वाले भी इसमें एलिजिबल है, ठीक है, बीटेक से इलेक्ट्रिकल वगैरह कर रखे हैं तो वो भी एलिजिबल है। हाँ एलिजिबल है, रुक जाओ मैं बताता हूँ। देखो 60% चाहिए यूआर एंड ओबीसी इंडिविजुअल्स के लिए, 50% चाहिए एससी एसटी, ठीक है 21 से 28, और आपका मेडिकल वाला B1 चाहिए सेट में। हाँ अरे यार कहाँ भाग रहा है, रुक जा, बेचारे बीटेक वाले परेशान है, इतनी सारी वैकेंसी क्यों छोड़ दी है ना। तो ये लोग सुन लो, ये दो नोटिफिकेशन आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, तो प्लीज वीडियो देख लीजिए पूरा अच्छे से। देखो SC ST SCTO जूनियर इंजीनियर की जो ये वाली पोस्ट है ऊपर, जूनियर इंजीनियर की इसमें जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर वाली, पोस्ट कोड NE 01, 02 एंड 03। कैंडिडेट मस्ट पोजेसिंग डिप्लोमा इन द रेल अप्रेंटिसशिप, इलेक्ट्रॉनिकल में आपका मतलब जो भी इसमें मांगा गया स्ट्रेट का मांगा गया उसमें आपका डिप्लोमा मस्ट चाहिए। द कैंडिडेट विद द हायर क्वालिफिकेशन लाइक BE एंड BTech एंड BSc एटसेट्रा द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रेड या S&T में आपका BE या BTech आपने कर रखी है तो बट नॉट हैविंग, तो आप एलिजिबल हैं बट नॉट हैविंग डिप्लोमा इन द रेल इंडस्ट्री देन शैल नॉट बी एलिजिबल एंड कैन नॉट अप्लाई। अगर आपने डिप्लोमा, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो डिप्लोमा करते हैं फिर उसके बाद उसमें बैचलर करते हैं, जैसे कि डिप्लोमा कर लिया, ठीक है जूनियर डिप्लोमा कर लिया पॉलिटेक्निक में, पॉलिटेक्निक थ्रू है ना, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर लिया, फिर उन्होंने बीटेक करी इलेक्ट्रिकल से, तो उसमें उनको उन कैंडिडेटों को एकदम फिल्टर आउट हो गए उनके लिए ये पोस्ट, ठीक है क्योंकि आप सब लोग कहेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है और उनकी एजुकेशन ज़्यादा होगी तो पेपर क्रैक करने में भी थोड़ा ईजी उनके लिए रहेगा कंपेरिजन टू डिप्लोमा वाले से बीटेक वाला, क्योंकि वो उसने थोड़ा हाई लेवल का कंटेंट पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि सीधी सी बात है डिप्लोमा है और एक डिग्री है तो कुछ तो डिफरेंस होगा है ना नॉलेज का, तो वो चीज़ का भी इफेक्ट करता है। तो इसमें इस बेसिस पे अगर आपने पहले डिप्लोमा किया है फिर डिग्री की है तो आप एलिजिबल हो, बट अगर आपके पास डिग्री है डिप्लोमा नहीं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, बट केवल जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जो नॉन टेक्निकल एग्जीक्यूटिव वाली जो बने इस वीडियो में डिस्कस की, पिछली वीडियो में डिस्कस की, उसमें सारे बीटेक वाले ही कैंडिडेट चाहिए, ठीक है बीटेक वाले केवल 2-3 पोस्टों को छोड़ के बाकी सभी में बीटेक वाले ही एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ लिखी हुई है द फॉर द पोस्ट ऑफ द मेंटेनर एंड जो कि ये पहली वाली नहीं इसमें थी NE 07 एंड 08, ये रही मैं ऊपर कर देता हूँ, ये ITI वाली, ठीक है तो ये ITI वाली, तो इसमें क्या लिखा है द मस्ट पॉलिसिस, इनके लिए भी देखो सुनो मस्ट पॉलिस ITI, आपके पास स्पेसिफिकल ट्रेड का स्पेसिफिकेशन ट्रेड का आपके पास ITI ट्रेड से ITI होना चाहिए सर्टिफिकेट, और द कैंडिडेट द हायर क्वालिफिकेशन, जैसे जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है लाइक बीटेक एंड डिप्लोमा, ठीक है ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा है, देन इन रेस्पेक्ट टू डिसिप्लिन, ठीक है इलेक्टिव बट नॉट हैविंग ITI स्पेशल दैट शैल नॉट बी एलिजिबल, जो डिप्लोमा जो डिग्री वालों के साथ हो रहा है वही डिप्लोमा वालों के साथ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है इनका कहने का मतलब ये ITI वाली वैकेंसी है वो डिप्लोमा वाली वैकेंसी से ऊपर वाली, ठीक है ये वाली। तो जैसे कि इसमें बीटेक वाले हैं पर डिप्लोमा नहीं है तो एलिजिबल नहीं है, इसमें आपके पास ITI है और फिर ऊपर आपके पास कुछ भी हो बीटेक हो या डिप्लोमा हो है ना तो आप एलिजिबल हो, बस आपके पास ITI नहीं है तो चाहे ऊपर चाहे कुछ भी हो और चाहे ना हो तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो वैसे शॉर्टकट में अगर बोल दिया जाए इन्हें ये कह दिया है कि आपके पास जो हम कह रहे हैं वो नहीं चाहिए, तो फिर इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए ना, क्यों बेफालतू में इल्यूजन करने के लिए रखा है, जो बच्चा पढ़ेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, आधे बच्चे आधी ट्रेंड वीडियो इसी बात पर हो जाएंगी कि एलिजिबल, आधे कहेंगे कि नहीं एलिजिबल, कोई डाउट वाला चक्कर नहीं होता, जब आपने एक मिनिमम एलिजिबिलिटी कह ही दिया है तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं। जो जिसके पास जैसे डिप्लोमा कर रखा है फॉर एग्जाम्पल मानते हैं, जैसे कि मैं अगर जैसे किसी कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा है फिर डिग्री कर रखा है या फिर ITI कर रखा है फिर डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है तो वो ITI के अकॉर्डिंग भर देगा पोस्ट, ठीक है ना, बट जब आप ये कह रहे हो कि इसके बाद ये हो तो भी चले, तो बस ITI नहीं होगा तो नहीं चलेगा या डिप्लोमा नहीं होगा तो नहीं चलेगा, तो फिर उस बात का कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बेस ही नहीं है। बट उन्होंने एक तरीके से जो माइंड में इल्यूजन चल सकते हैं क्लैरिफाई करने का प्रयास किया, तो उस पॉइंट को मैंने इसलिए भी क्लैरिफाई किया ताकि आपके माइंड में इस पॉइंट के रिगार्डिंग इल्यूजन ना रहे, तो आप क्लैरिफाई मेरे ख्याल से हो गए होंगे। रही बात क्वालिफिकेशन की, तो वो चीज़ मैंने आपको पूरे पहले ऊपर क्लियर करी दी है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि देखो जो भी 50% मार्क्स 60% मार्क्स तो मैंने आपको बताई दिया है, ठीक है तो मोर तो बस, और जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है E5 ये चाहिए तो उसमें थी, तो इसमें तो कुछ भी एलिजिबिलिटी आपके लिए मिनिमम नहीं है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल थोड़ी सबकी अलग अलग रहती है, ठीक है आपके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, जॉब प्रोफाइल जूनियर इंजीनियर की इसमें जो पोस्ट है इन शिफ्ट एंड ड्यूटी द इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, आपकी जूनियर इंजीनियर कैन आल्सो बी डिप्यूटेड एज ST एंड TO, ठीक है आफ्टर ड्यूटी ट्रेनिंग, ठीक है मतलब आप इसमें डिप्यूटेड कर सकते हो, आपको इन पर लगाया ST एंड TO वाले पे, ठीक है। दूसरा द पासिंग साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन, तो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा अपने टेस्ट होगा, देखो आपका भी रिटन होगा, दो फेज से आप गुजरोगे, आपका जो सिलेबस रहेगा वो दो फेज से आप गुजरोगे, फिर आपका एक मेडिकल होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट सॉरी DV होगा, उसके साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और मेडिकल फिटनेस का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हाँ इसमें देखो आपको यहाँ पे अगर आपको क्लैरिफाई करना है तो ये 3 पॉइंट ये स्पेशली आप ही के लिए है कि जैसे कि इसके लिए क्या होगा, सभी के लिए ये चीज़ है, 2 फेज आपको ऐसा इसमें 3 फेज है, रुको देखो कुछ पोस्टों के लिए 2 फेज है और कुछ के लिए 3 फेज है। अब जैसे कि जूनियर इंजीनियर वालों के लिए कितने फेज है, 2 स्टेजेस है ना, रिटन टेस्ट बाय द डॉक्यूमेंट फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द मेडिकल फिटनेस, ठीक है A1 कैटेगरी का चाहिए, ठीक है नॉट बिलो द A3, A3 से बिलो वाला कैटेगरी का नहीं चाहिए, A1 से A3 वाला। दूसरा पोस्ट है स्टेशन कंट्रोलर एंड कम ट्रेन ऑपरेटर वाला, ठीक है ट्रेन ऑपरेटर एंड स्टेशन कंट्रोलर, तो उसके लिए NE 03 पोस्ट कोड है। अब इसमें क्या है, इसमें आपके 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट रिटन टेस्ट, दूसरा है साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉलोड बाय द DV, ठीक है तीसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें एक चीज साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट ये चीज ऐड हो गया। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है तो इन्होंने एग्जीक्यूटिव में ही आती है, तो और ऑफिस असिस्टेंट HR एंड पोस्ट कोड असिस्टेंट, ठीक है तो इसमें क्या है तो इसमें केवल 2 स्टेज है, केवल इसमें स्टेशन कंट्रोलर वाले में ही केवल 3 स्टेज है, बाकी सभी में दो स्टेज है, एक रिटन टेस्ट, दूसरा डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें सी कैटेगरी का C1 का चाहिए। ठीक है, तो बस ये चीज़ सब इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। आप कुछ अगर रह गया हो बाकी देख लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हाँ, आपका जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। आप देख सकते हैं ये कुल आपके अलावा 100 क्वेश्चन आएंगे नॉन एग्जीक्यूटिव वाले में। यहाँ पे दिया गया है N07 और N08, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये एग्जीक्यूटिव वालों का है ऊपर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में N01 से लेकर 06 तक के लिए 140 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो सारी जूनियर पोस्ट है। और 7 और 8 के लिए ITI वाली है, तो इस वजह से ये चीज़ इनके लिए रिलैक्सेशन है। होपफुली मैं क्लियर कर दूँगा आपके लिए। आपका सिलेबस क्या रहेगा वो भी चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस आपको कर देता हूँ। ठीक है, रफली। ठीक है, एक से अधिक दिन में आपका एग्जामिनेशन होता है। सीबीटी ऑनलाइन पेपर पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, बाइलिंगुअल पेपर आएगा इंग्लिश हिंदी दोनों में। एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड लॉजिकल एबिलिटी एंड क्वांट एप्टीट्यूड, मतलब इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, क्वांट एप्टीट्यूड, मैथ। ठीक है, एंड नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन, मतलब आपकी जो ट्रेड का है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये पोस्ट कोड E1 से लेकर E09 एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट में सभी में 140 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सभी 140 क्वेश्चन 140 नंबर के होंगे और 1/3 मार्क्स होंगे। बट जिस पोस्ट की अभी मैंने इस वीडियो में बात करी, ठीक है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट कोड है, N01 से लेकर N06 और N07 से लेके N08, तो ये टोटल पोस्ट कोड है। तो N01 से लेके N06 के लिए 140 क्वेश्चन है। ठीक है, और N07 और 8 के लिए ITI वाली है, तो इनके लिए 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 के लिए, पेपर का टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का दिया गया। मे बी अभी यही चीज़ है, अगर मेन चीज़ ITI है तो इस वजह से यही रहेगा, कुछ चेंजमेंट नहीं होगा। रिलैक्सेशन 2 घंटे, दोनों 2 घंटे में देंगे आपको 140 क्वेश्चन, तभी आपको 2 घंटे का टाइम रहेगा। तो इससे ये जाएगा एक टाइम पीरियड में ही सारे एग्जामिनेशन हो जाएंगे, वरना फिर टाइम कम ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत होगी। और अगर कोई ऐसा एग्जामिनेशन में कोई चेंजमेंट आता है, कोई अपडेट आती है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट करा दूंगा। ठीक है, तो आपका सीबीटी मोड से एग्जामिनेशन होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपको। ठीक है, बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, तो लगभग पूरे यूपी में जाएंगे, अच्छे जगह तभी इसका सेंटर है। ठीक है, और ये कुछ ऐसा है ना, ये कुछ एक चीज़ मैं बता दूँ। ठीक है, वैसे ये चीज़ किसी ने बताई नहीं होगी आपको कि कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग अभी आपको पे करनी पड़ेगी, बट आफ्टर द सिलेक्शन। ठीक है, जब आपका डीवी वगैरह हो चुका होगा तब उसके बाद आपको डीडी ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ UPMRC। ठीक है, तो बिफोर द ज्वाइनिंग आपको ये चीज़ सबमिट करनी पड़ेगी। ये आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो SCTO के लिए है 41,300, और ये सारी पोस्टों के लिए एक इनके लिए है 35,400 और 23,600। तो और आपको जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट, अभी हमने जिसकी बात करी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करी है, तो जो कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है इनके 3 साल का आपका, इसमें आपका 1.5 लाख रुपये लगेगा। ठीक है, और आपको मिनिमम 3 साल के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो इसमें लिखा है टू सर्व द कॉर्पोरेशन मिनिमम 3 ईयर। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेशन पीरियड है। दूसरा, इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में पोस्ट स्पेशलिटी फॉर द मेंटेनर, तो इसमें भी सेम यही है आपके लिए कि 75,000 रुपये आपका, मतलब ये है सिक्योरिटी बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, है ना, और आपको मिनिमम 3 साल के लिए वर्क करना पड़ेगा। हाँ, और 3 मंथ प्रायर टू नोटिस टू लीव द सैलरी इन लीव इन द शॉर्ट नोटिस पीरियड। ठीक है, मिनिमम 3 महीने पहला आपको बताना पड़ेगा छोड़ने से पहले। ठीक है, सिक्योरिटी बॉन्ड अमाउंट, ठीक है, क्या रहेगा सिक्योरिटी बॉन्ड अमाउंट, देखो बॉन्ड तो भरना ही पड़ता है आजकल जितनी भी लोग वैकेंसी आ रही है। जैसे अगर यूपी में, जैसे अगर नर्सिंग डिपार्टमेंट के इसमें लगभग 2,40,000 का बॉन्ड है, 6 महीने की सैलरी लेते हैं। तो इसमें मतलब पर्टिकुलर पोस्ट के हिसाब से चेंजमेंट है, आप कितना क्या है इसमें ऐसा कैलकुलेशन कुछ नहीं दिया गया, तो आपको मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। अब जैसे कि इसमें यहाँ पे देखिए ट्रेवल और प्रोविजन पीरियड 2 साल का है, बट ऊपर जो क्लैरिफिकेशन के साथ दिया उसमें 3 साल का दिया है, तो वो मेरे ख्याल से पोस्ट वाइज होगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी आपके सर्टिफिकेट लगेंगे EWS, SC, ST, OBC, वो सब PWD वगैरह सब यूपी वाले लगेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ का विशेष ध्यान रखें। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता है, एज रिलैक्सेशन आपको डिपार्टमेंटल मिल सकता है। ठीक है, और मैं इसको बता दूं जल्दी से फटाफट, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो डिपार्टमेंटल है और पर्टिकुलर भी है। तो जो एक्सर्विसमैन वगैरह को उन सबको मिलेगा, तो वो OBC, SC एंड ST के लिए 5 साल का मिलेगा। ठीक, और रिजर्व कैटेगरी फॉर एज रिलैक्सेशन वो बेनिफिट के लिए ये नीचे गाइडलाइंस दी गई हैं। एक्सर्विसमैन के लिए यूपी में लाइन 3 साल के, तो मैक्सिमम 40 साल से ज़्यादा का नहीं मिलेगा आपको। आपकी एज 1 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आप डिपार्टमेंट में हैं तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको 3 साल तक आपका एज रिलैक्सेशन मिल सकता है ना, अपर एज रिलैक्सेशन लिमिट। ठीक है, अब बात करते हैं मैं इसमें एनी की पोस्ट के बाद नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करता हूँ। तो इसमें जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में जो एज रिलैक्सेशन दिया गया, यूआर के लिए 40 साल है, OBC के लिए 45 साल और SC, ST के लिए 45 साल है। ठीक है, तो ये आपका एज रिलैक्सेशन है, पर किसको मिलेगा ये IDA ही एम्प्लॉय को मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा वो भी चीज़ मैंने आउटसोर्स एम्प्लॉय को। ठीक है, आउटसोर्स पर्सनल एम्प्लॉय को, और डिप्यूटेशंस को, रीएम्प्लॉयड कैंडिडेट को, कंसल्टेंट को। ठीक है, EWS, एक्स सर्विसमैन, डिफेंशियन और वुमेन कैंडिडेट ऑफ यूपी को नहीं मिलेगा। नो एज रिलैक्सेशन एडमिसिबल इन द अपर एज लिमिट। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये आप यहाँ पे बहुत से फीमेल कैंडिडेट ये मत कहना कि बताओ गर्ल्स को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे गर्ल्स, मेल्स और फीमेल्स और किसी भी कैटेगरी की बात नहीं की, यहाँ पे एम्प्लॉय कैंडिडेट की बात की गई कि जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं। ठीक है, केवल उन्हीं ही को ही मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का वजह से ध्यान रखना। वैसे रेगुलर एम्प्लॉय ये बच्चे बताओ कितने लगे हैं, हाँ उनके लिए तो बम्बर, उनके तो मजे हैं। बात फीस की बात कर लेते हैं। देखो आपकी फीस सेम ही लगेगी सभी, चाहे किसी भी पोस्ट का जो है ऊपर एग्जीक्यूटिव वाली नॉन एग्जीक्यूटिव में डालो। ठीक है, 11,800 लगेगी, सॉरी 1,180 रुपये लगेंगे, 11,800 बैंड बच जाएगा यार, और 826 रुपये लगेगी SC, ST के लिए, 1,180 लगेगी EWS कैंडिडेट के लिए। ये भी नॉन रिफंडेबल है, तो इसी वजह से रखना। ऊपर जो भी मैंने आपको जो ट्रेनिंग फीस बताई थी वो भी नॉन रिफंडेबल है। ठीक, तो बस यही मुझे आपको बताना था और कुछ मुझे मिल जाए एक चीज़ में ईडब्ल्यूएस के लिए आपका गाइडलाइन बताना चाह रहा था फाइनेंशियली। हाँ, ईडब्ल्यूएस वाले देखो बस नो आपका और ओबीसी वाले भी सुन लें, जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपकी जो इशू डेट है ना वो एक ओबीसी वाले सुने पहले नंबर, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए जो इशू डेट है ना वो आपकी 1/4 ये रही, 1/4 से 1/4 के बाद और 31 मार्च 2024 से पहले के बीच का होना चाहिए, ठीक, सिंपल सी बात है। और सेम प्रोसेस ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी है, इनके लिए भी जो आपका इशू डेट है वो 1/4/2023 के बाद वाला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो इसमें फाइनेंशियल ईयर होगा 22-23 लगेगा, ठीक। अगर ये वैकेंसी 31 मार्च के बाद आई होती तो सेम यही चीज़ आगे बढ़ जाती। तो वीडियो को बस मैं बस यहीं पे खत्म करना चाह रहा हूँ। वैसे कुछ रह तो नहीं गया है, आपके लिए ये सारे फॉर्मेट्स हैं। अगर आपको कोई इशू हो कि मुझे मेरा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसा है, ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसा रहेगा, तो ये सारे फॉर्मेट्स नीचे दिए गए हैं। नीचे अथॉरिटीज़ के सारे नाम देखेंगे कि अगर आपका जो इशू सर्टिफिकेट है इनमें से कोई एक जो नीचे नाम दिए गए उनमें से अथॉरिटी का नहीं है तो प्लीज़ इन नीचे दिए गए किसी भी अथॉरिटी का आपको बनवाना पड़ेगा। तो वीडियो को बस मैं यहीं समाप्त करते हुए इसका सिलेबस का मैं डिटेल वीडियो में लेके आऊँगा जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है, बट 20 तारीख से जब इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे तभी इसका सिलेबस भी क्लैरिफाई करके आएगा कि अभी जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवीजन में दिए गए हैं, ठीक है, बट कितना पोर्शन कौन कवर करेगा, कि टेक का ज़्यादा रहेगा, आपके ट्रेड का ज़्यादा रहेगा, या फिर जो नॉन टेक पोर्शन है वो ज़्यादा रहेगा, क्या रहेगा, तो वो सब चीज़ें मैं तब डिस्कस करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप बी टेक से इलेक्ट्रिकल कर चुकी है आपने तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, यूपी मेट्रो वाली, ठीक है, क्योंकि उसमें वैकेंसी निकलेगी असिस्टेंट मैनेजर और मतलब एक तरीके से असिस्टेंट इंजीनियर आप मान के चलो, क्योंकि पे ग्रेड आपकी 1,60,000, ठीक है, आपकी सैलरी उसमें 1,60,000 है। तो वही सिंपल सी बात है, जो असिस्टेंट इंजीनियर और फिर जूनियर इंजीनियर में जो सैलरी का डिफरेंस रहता है वो चीज़ में आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों जगह आप एलिजिबल हो या नहीं हो वो चीज़ मैंने क्लैरिफाई करके रख दिया, ठीक है। उसमें बीटेक वाले मैक्सिमम जा सकते हैं, इसमें डिप्लोमा वाले जा सकते हैं, पर बीटेक वाले भी जा सकते हैं पर आपके पास डिप्लोमा या फिर ITI वगैरह होना चाहिए, ठीक। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस या फिर कुछ और वैकेंसी के साथ। जय हिंद।